ये लाइव तस्वीरें आपके सामने। सबसे पहले भारत समाचार आपको दिखा रहा है, ये देखिए किस तरीके से पुलिस और अभ्यर्थियों की झड़प सामने आई है। टीटी अभ्यर्थियों से पुलिस की झड़प, इस वक्त की लाइव तस्वीरें सबसे पहले भारत समाचार आप तक पहुंचा रहा है। लखनऊ में अभ्यर्थी अपना प्रदर्शन कर रहे थे, ये देखिए लाठीचार्ज किया गया है खाकी की ओर से। टीटी अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया है खाकी ने, इस वक्त की ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भगदड़ मची हुई है, हंगामे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पिट गई है खाकी। यहाँ पर टीटी अभ्यर्थियों का हंगामा देखने को मिल रहा है। इस वक्त की लाइव तस्वीरें सबसे पहले भारत समाचार आप तक पहुंचा रहा है लखनऊ से। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से लाठियां भागी जा रही हैं। टीटी अभ्यर्थियों पर पुलिस लाठीचार्ज करती हुई नजर आ रही है, अभ्यर्थी यहाँ हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त लखनऊ में क्या कुछ हालात बने हुए हैं ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। टीटी अभ्यर्थियों से पुलिस की झड़प हो रही है, अभ्यर्थी यहाँ पर हंगामा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये देखिए पथराव भी होता हुआ नजर आ रहा है। अपने समायोजन की मांग को लेकर अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे हैं, कई इनकी मांगे जिनको लेकर लगातार यहाँ पर ये अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच खाकी से जबरदस्त भिड़ंत हुई है, झड़प हुई है, खाकी ने लाठीचार्ज किया है, पथराव कर रहे हैं। टीटी अभ्यर्थी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, अभ्यर्थियों पर पुलिस ने हवाई फायरिंग की है। ये बड़ी तस्वीरें तो बड़ी खबर सबसे पहले भारत समाचार आप तक पहुंचा रहा है। ये देखिए क्या कुछ हालात बने हुए हैं लखनऊ में। इस बीच संवाददाता अभिषेक मिश्रा इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर है। अभिषेक, टीटी अभ्यर्थियों के साथ पुलिस की झड़प, फिलहाल क्या कुछ हालात? टीटी अभ्यर्थियों को जमकर पुलिस ने मारा है और उसके बाद लाठियों से बर्बरता से पिटाई की है उनकी बाकायदा, क्योंकि लगातार टीटी के अभ्यर्थी इस बात के लिए प्रदर्शन कर रहे थे कि जल्द से जल्द उनकी बहाली करी जाए और किसी भी तरह से उनकी ज्वाइनिंग कराई जाए। और इन सारी चीजों को लेकर आज वो जिस तरह से विधानसभा घेरने के लिए आ रहे थे उससे पहले ही बाकायदा पुलिस ने उनको रोक लिया और बर्बरता से उनकी पिटाई की। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि अभी इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आई, बाकायदा आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि कोई भी आला अधिकारी नहीं कर रहा है। हालांकि जिस तरह से बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ है वो निश्चित रूप से संदेहास्पद है, क्योंकि लगातार टीटी के लोग शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन की बात कर रहे थे, विधानसभा के घेराव की बात कर रहे थे और इन्हीं सारी चीजों के बीच में वहां पर इन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। अभिषेक, क्या कुछ मांगे इनकी? देखिए, इन लोगों की सीधे तौर से मांग थी कि इन लोगों को ज्वाइन कराया जाए, क्योंकि लंबे समय से इनकी ज्वाइनिंग आधार में लटकी हुई है। बावजूद उसके इन लोगों का प्रदर्शन लगातार चल रहा था शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन इन लोगों का कहना था कि आज ये लोग विधानसभा के सामने घेराव करेंगे, अपनी प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को सरकार के आगे रखेंगे। लेकिन इन्हीं चीजों के बीच में बाकायदा पुलिस के द्वारा बर्बरता से पिटाई की गई है इनकी और जमकर लाठी चलाई गई है। बहुत शुक्रिया अभिषेक मिश्रा इस पूरी बातचीत के। फरमान अब्बास इस वक्त हमारे साथ मुकाई वारदात से हमारे साथ जुड़े हैं। फरमान, आपसे समझना चाहेंगे फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है टीटी अभ्यर्थियों के साथ जो खाकी की झड़प हुई, फिलहाल वहां पर क्या तस्वीर, क्या हालात बने हुए हैं? फरमान। देखिए, लगातार अभी भी जो बीच बीच में झड़प है पुलिस से इनकी हो रही है, क्योंकि ये लगातार जो रास्ता है वो अपना तय कर रहे हैं, हर चौराहे पर पुलिस इनको रोकने की कोशिश कर रही है। हजारों की संख्या में ये शिक्षा, ये जो अभ्यर्थी है टीटी वो मौजूद है। इन्होंने जो इको गार्डन है वहां से अपनी ये यात्रा शुरू की थी, कूच किया था। इनका कहना था कि विधानसभा की तरफ ये बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले कैंट में, जब कैंट हॉस्पिटल के सामने ये पहुंचे तो वहां पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की, जिसके बाद इनकी पुलिस से झड़प हुई, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके बाद स्थिति थोड़ा सामान्य हुई। लेकिन फिर उसके बाद जब पुलिस ने इनको खदेड़ा तो फिर ये आगे बढ़े और अगले चौराहे पर फिर जब इनको पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो एक बार फिर से इनकी पुलिस से झड़प हुई। अभी फिलहाल ये लोग कैंट से आगे बढ़ चुके हैं और अभी भी इनका जो हुजूम है वो हजरतगंज की तरफ बढ़ रहा है। पुलिस वाले उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि अपनी मांगों को लेकर विधानसभा तक पहुंचेंगे। यानी फरमान, साफ तौर पर जिस तरीके से आप बता रहे हैं और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, इस बात से साफ जाहिर हो रहा है कहीं ना कहीं हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, खाकी से अनकंट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं अभ्यर्थी। देखिए, बिल्कुल पुलिस और जो LIU महकमा है वो पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि जितना बड़ा हुजूम ये इनका जो अभ्यर्थी है इनका यहाँ पर लखनऊ पहुंचा और उसने हजरतगंज की तरफ कूच किया, यानी कि LIU को पूरी इनकी संख्या की जानकारी नहीं थी। लेकिन फरमान एक गजब स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है, खाकी की ओर से पथराव हो रहा है, ये क्या तस्वीरें हम देख पा रहे हैं? खाकी की ओर से अभ्यर्थियों पर पथराव किया जा रहा है। फरमान, देखिए, पुलिस ने जब इनको रोकने की कोशिश की तो पुलिस से इनकी झड़प हुई, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया, जिसके बाद ये अभ्यर्थी आक्रोशित हो गए और पुलिस पर हमलावर हुए, पथराव किया गया। पथराव में एक कुछ पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई, टीटी अभ्यर्थियों को भी लाठीचार्ज में चोटें आई, यानी कहा जाए कि दोनों तरफ से एक तरह से आक्रोश था
और पुलिस वालों को जब हमलावर हुए ये टीटी अभ्यर्थी तो पुलिस वालों ने भी लाठीचार्ज किया, हल्का बल प्रयोग किया गया था। यानी कि ये कहा जा सकता है कि दोनों तरफ से झड़प हो रही थी। अभी भी ये लोग चौराहे पर, एक अगला जो चौराहा है यहाँ से कैंट से आगे निकलते हैं वहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। अब पुलिस ने इनको रोका है क्योंकि पर्याप्त पुलिस बल नहीं है, चंद पुलिस वाले हैं और हजारों की तादाद में ये टीटी अभ्यर्थी हैं। यानी कि पुलिस पर्याप्त नहीं है, यही वजह है कि ये बिल्कुल इन पर काबू अभी तक नहीं पाया जा सका है। फरमान, टीटी अभ्यर्थियों का धरना काफी दिन से चल रहा था लेकिन आज एकदम से उग्र हुआ, इसकी वजह क्या रही? क्या आज तक के लिए कोई आश्वासन इनको दिया गया था? क्या सीएम से मिलने की मांग कर रहे हैं? आखिर इसकी मेन वजह क्या सामने आई निकलकर? फरमान, देखिए टीटी अभ्यर्थियों का साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं यानी अधिकारी हैं वो कोर्ट के आदेशों के बाद भी उस पर अमल नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल कोरे आश्वासन दिए जा रहे हैं, झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। यही वजह है कि अब इन्होंने, इनके जो लीडर हैं या जो इनके इनके जो जिम्मेदार है उनका कहना है कि अब हमने ये फैसला किया है कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और यही वजह रही कि सारे जो अभ्यर्थी हैं उनको लखनऊ में इकट्ठा करने के लिए कहा गया और आज ये जब इकट्ठा हुए हैं तो ये हजरतगंज यानी कि विधानसभा की तरफ इन्होंने कूच करने का ऐलान किया। इनका कहना है कि आज बिल्कुल ये आर पार की लड़ाई करने के मन से लखनऊ पहुंचे हैं, यानी कि आज ये अपने जो अपनी मांगे हैं सरकार के सामने रखेंगे और सरकार से जवाब चाहते हैं कि वो या तो हां में जवाब दे इनको या फिर सीधे तौर पर ना में जवाब दे। बिल्कुल फरमान, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं इससे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आम लोग भी प्रभावित होंगे, यातायात बाधित होगा, अनकंट्रोल स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। क्या ऐसे में कोई भी आश्वासन सरकार की ओर से इनको दिया गया है? कोई भी प्रशासनिक नुमाइंदा यहाँ पर पहुंचा है? इनसे बातचीत करने की कोशिश की गई है क्या? फरमान, देखिए बिल्कुल यहाँ पर अस्त व्यस्त माहौल है, अराजकता जैसा माहौल है, कैंट जैसा संवेदनशील एरिया जो मिलिट्री कैंटोनमेंट है वहाँ पर हजारों लोग इस तरह से जमा होते हैं, जहाँ पर जहाँ बहुत संवेदनशील इलाका है वहाँ पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, पथराव होता है, लाठीचार्ज होता है, गाड़ियां तोड़ी जाती है, राहगीरों के साथ मारपीट की जाती है। यानी कि बिल्कुल एक सुरक्षा व्यवस्था, अगर कैंट जैसे इलाके की इस तरह के हालात है तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितना उग्र प्रदर्शन होगा और किस तरह के हालात होंगे यहाँ पर। हालात को काबू में करने के लिए क्या कुछ अहम कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से? फरमान अब्बास, देखिए बार बार यहाँ पर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं उनको, उनकी तरफ से अधिकारियों को बार बार कहा जा रहा है, यहाँ से वायरलेस सेट से संदेश दिए जा रहे हैं, मोबाइल फोन से अधिकारियों को यहाँ की अपडेट दी जा रही है, लेकिन अभी तक जो पुलिस फोर्स है वो चंद पुलिस वाले ही यहाँ पर हैं, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आई, जबकि हजारों जो संख्या है अभ्यर्थियों की प्रदर्शनकारियों की ये हजारों में है। यही वजह है कि पुलिस यहाँ पर बेबस नजर आ रही है, बार बार उनसे मिन्नतें कर रही है, हल्का बल प्रयोग करती है, लेकिन जैसे ही आक्रोशित टीटी अभ्यर्थी पुलिस पर हमलावर होते हैं तो पुलिस को वहाँ से दबे पांव भागना पड़ता है। क्या किसी बड़ी घटना का इंतजार किया जा रहा है प्रशासन की ओर से? क्योंकि इतनी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं ये अभ्यर्थी, रास्ता जाम हो गया है, लोगों को परेशानी हो रही है, पथराव हो रहा है, फायरिंग हो रही है, बावजूद इसके इस पूरे मामले को गहनता से संज्ञान में ना लेना, हालातों को काबू में ना करने की कोशिश करना क्या कुछ दर्शाता है? बिल्कुल खुली तौर पर लापरवाही, कहीं ना कहीं जो पुलिस के जिम्मेदार आला अधिकारी हैं उनकी खुले तौर पर लापरवाही सामने आ रही है। चंद पुलिस कर्मियों के हवाले हजारों जो आक्रोशित अभ्यर्थी हैं उनको रोकने का जिम्मा दिया गया है, लाचार और बेबस नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा तस्वीरों में कि किस तरह की स्थिति है, पथराव किया जा रहा है पुलिस के ऊपर, पुलिस को खदेड़ा जा रहा है, पुलिस हल्का बल प्रयोग करती है, फायरिंग की जा रही है, हवाई फायरिंग भी हुई है, आपने तस्वीरों में देखा होगा। यानी कि स्थिति अगर कैंटोनमेंट जैसे इलाके में जहां पर आर्मी का एरिया है, छावनी है, वहां पर इस तरह के हालात हैं जो बेकाबू हो गए हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि कितनी बड़ी गैर जिम्मेदाराना रवैया यहाँ के जो पुलिस के अहलकार हैं, पुलिस के आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से नजर आया है। एसएसपी की ओर से कोई अब तक बयान देखने को मिला? फरमान, देखिए सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ा सवाल भी ये है कि यहाँ पर चंद पुलिस वाले और सीओ लेवल के अधिकारी ही इन हजारों अभ्यर्थियों के सामने डटे हुए हैं और कोई बड़ा आला अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। ना तो अभी तक पुलिस के कप्तान यहाँ पहुंचे हैं, ना जिलाधिकारी पहुंचे हैं, ना कोई पुलिस का या जो प्रशासनिक अमला है उसका कोई बड़ा जिम्मेदार अफसर पहुंचा है। यानी सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि एकदम इस पूरे आंदोलन को, पूरी जो अराजकता है इसको भगवान भरोसे शायद अधिकारियों ने छोड़ दिया है। फरमान, बिल्कुल आपने सही कहा, भगवान भरोसे ही ये तस्वीरें हमें बता रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए, हम जानकारी देने के लिए।
और मोकाई वारदात से आपने हमें अपडेट दी। तस्वीरें, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं अभ्यर्थी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, विधानसभा के घेराव की बात कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से खाकी पर पथराव हो रहा है, खाकी के द्वारा भी पथराव किया जा रहा है। तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, यहाँ पर फायरिंग हुई है, लाठीचार्ज हुआ है और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि अभ्यर्थी पथराव कर रहे हैं तो खाकी की ओर से भी पत्थरबाजी देखने को मिल रही है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजधानी लखनऊ की व्यवस्था आज कितनी चरमराई हुई है, तस्वीरों को देखिए। चंद पुलिसकर्मी यहाँ पर इन हजारों अभ्यर्थियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी उच्च अधिकारी ने इस पूरे मामले का कोई संज्ञान अब तक नहीं लिया है। यहाँ पर मौजूदा अगर हम पुलिसकर्मियों की बात करें तो यहाँ पर भीड़ को देखते हुए जो पुलिसकर्मी है उनकी संख्या काफी कम आंकी जा रही है। पर्याप्त मात्रा में यहाँ पुलिस बल भी नहीं पहुंचा है, जिससे कि काफी दिक्कत हो रही है बाकी पुलिसकर्मियों को इन लोगों को रोकने के लिए। अभ्यर्थी साफ तौर पर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। तापमान इतना है। मनीष शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी बहुत स्वागत भारत समाचार पर आपका। मनीष जी, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, शायद अगर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तो बेहद ही चिंताजनक हैं। क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं इसके लिए? मनीष जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? संपर्क नहीं हो पाया, एक बार फिर से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नौबत क्यों आई, इतने उग्र ईटी अभ्यर्थी क्यों हुए। हमारे रिपोर्टर लगातार वहां पर जुड़े हुए हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर रमन पांडे इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं। रमन जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले सुनील सिंह सादन जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी बहुत स्वागत भारत समाचार पर आपका। सुनील जी